हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर नॉलेज। मैं हरीश एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज के वीडियो में बात करेंगे 2022 में आपके लिए ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर कौन सी बेस्ट होगी, इसी के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि 2022 में आपको कौन सी प्रिंटर, अगर आप सोच रहे हैं प्रिंटर लेने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, तो वो आपके लिए कौन सी बेस्ट होगी। इस वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे कि आज के युग में 2022 में आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि ऑल इन वन, जैसे प्रिंट हो गया, स्कैन हो गया, फोटो कॉपी के लिए आप प्रिंटर जो है 2022 में कौन सी बेस्ट होगा, कौन सी प्रिंटर हमें लेनी चाहिए, तो इस वीडियो को आप देखिए। उसके बाद सारे डाउट जो हैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे कि आपके लिए जो प्रिंटर है, अगर आप सिर्फ इसमें आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर की हम बात कर रहे हैं, देखिए अगर कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों यूज करते हैं तो वो प्रिंटर सक्सेस नहीं होता। अगर आपको ज़्यादा यूज है फोटोकॉपी की, प्रिंट की, तो आप अलग अलग प्रिंटर लें। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट निकालनी है तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से निकालें। अगर आपको कलर ज़रूरत है तो कलर प्रिंटर एक स्पेशलिस्ट रखिए। अगर दोनों में ज़्यादा आप देखिए, जो आपका कलर प्रिंटर होगा उसमें अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा यूज करते हैं, तो प्रिंटर बहुत जल्द मतलब उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, प्रिंटर ख़राब हो जाती है, वो क्वालिटी कलर में आपको नहीं मिल पाएंगी। चाहे वो आप फोटो प्रिंटर लेते हैं या कोई भी आधार कार्ड प्रिंट करने के लिए या कलर डॉक्यूमेंट्स के लिए, और उसमें आप ज़्यादा ब्लैक एंड व्हाइट इस्तेमाल करते हैं, फोटोकॉपी करते हैं, प्रिंट निकालते हैं, तो वो प्रिंटर बहुत जल्द ही ख़राब हो जाती है और क्वालिटी जो है कलर का वो डाउन हो जाती है। तो अगर आपका ज़्यादा इस्तेमाल है ब्लैक एंड व्हाइट, अगर आप ज़्यादा प्रिंट करते हैं, कॉपी करते हैं, तो आपको एक सेपरेट प्रिंटर जो है लेनी चाहिए फोटोकॉपी प्रिंट करने के लिए। देखिए आज पिछले वीडियो में हमने बताया था प्रिंटर के लिए, दो प्रिंटर आपको बताया था, HP का जो कार्टेज उसमें जो लगता था, M1005 के बारे में बात किया था, M1136 के बारे में बात किया था, तो वो सब जो प्रिंटर है वो आपको कार्टेज उसमें लगते हैं, कार्टेज प्रिंटर है। देखिए उसमें आपको अगर आप बैटरी से चलाना चाहते हैं तो वो सब प्रिंटर जो है काफ़ी कंजप्शन जो है, वोल्टेज जो है काफ़ी कंजप्शन करती हैं। अगर आप इन्वर्टर से यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट प्रिंटर इप्सन का होगा। इसमें जो पावर कंजप्शन है बहुत ही कम आपका, इसको आप जो है इन्वर्टर से ही भी यूज कर सकते हैं और इसमें आपको ज़्यादा पावर कंजप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें आपको कार्टेज नहीं लगता है। इसको आपको सिंपली इसमें इंक डालना है, लिक्विड इंक इसमें फिल होता है, तो ये बहुत अच्छी प्रिंटर है और इसमें आपको बहुत सारी एडवांस फीचर्स भी आपको मिल जाती हैं, जैसे वायरलेस हो गया, इंक टैंक इसमें रहता है, सिंपली आप इंक खोलिए, इंक टैंक खोलिए और इसमें इंक डाल दीजिए, लिक्विड इंक होता है, बोतल में आता है। और इसकी जो प्राइस होने वाली है वो 18,989 रुपये हैं। और इस प्रिंटर की बात कर रहे हैं, इसका मॉडल है आपको इप्सन M205, ऑल इन वन प्रिंटर है। इसमें आपको वायरलेस की सुविधा मिल जाती है, फोटो कॉपी कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट प्रिंटर है और इसकी क्वालिटी का भी कोई मतलब वो नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए ये इंक टैंक प्रिंटर है, प्रिंटर हाई स्पीड USB 2.32 से कनेक्ट हो जाता है, वायरलेस इसमें मिलता है, इसमें मोबाइल प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, मल्टी फंक्शन प्रिंटेड है और ये इप्सन के तहत यहाँ पे इप्सन की प्रिंटर है और मॉडल इसका जो है M205 है, तो बहुत अच्छी प्रिंटर होने वाली है। और इसकी डिटेल देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए इंक टैंक है, ऑल इन वन, इसमें प्रिंट कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ही और फोटोकॉपी कर पाएगा। कनेक्टिविटी है वो वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, USB से कर सकते हैं, ऐप से भी कर सकते हैं। देखिए इसका जो कॉस्ट पड़ने वाला है पेज पर मिनट 34 पेज आपको एक मिनट में ये प्रिंट कर देगी, फोटोकॉपी कर देगी, कॉस्ट पर पेज आपको 12 पैसे की पड़ेंगी, तो बहुत कॉस्ट भी है इसका, बहुत कम है और इसका चलाना और पावर कंजम्पशन बहुत ही लो है, एज पर IOS स्टैंडर्ड के यहाँ पे बात हो रहा है। ये जो है आप इसको होम एंड स्मॉल ऑफिस रेगुलर हैवी यूजेज के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसमें जो पेज सपोर्ट होगा A4 डुप्लेक्स प्रिंट मैनुअल प्रिंट रिजोल्यूशन जो इसका क्वालिटी होगा 1440x720 DPI इसका रिजोल्यूशन है। और देखिए यहाँ पे कंपेटेबल इंक इसमें जो लगेगा T774-7741 लगेगा और इसमें एक बोतल में आप पेज 6000 पेज निकाल सकते हैं,
आप एक इंक बोटल डालेंगे तो 6000 पेज आपको निकालेंगे, और आप कार्टेज वाले जो प्रिंटर यूज करते हैं एक बार रिफिल करते हैं तो 2000 पेज ही आपको उसमें प्रिंट आउट निकलता है, मगर इसमें आप एक इंक डालेंगे बोटल का तो 6000 पेज तक आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर आप दो ब्लैक इंक बोतल जो है 140 मिलीलीटर का प्लस 70 मिलीलीटर फ्री इसके साथ आपको प्रिंटर के साथ मिलेंगे, दो इंक बोतल मिलेंगे आपको इसके साथ, और प्रिंटर की 1 ईयर की वारंटी भी आपको यहां पे मिल रही है, तो बहुत अच्छी प्रिंटर होने वाली है। और इसके जो है स्पेसिफिकेशन उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए प्राइस जो है 18,989 रुपये यहाँ पे है, प्रिंटर है, इंक टाइप है, मल्टीफंक्शन है, कनेक्टिविटी USB वाईफाई से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें जो कंपेटेबल इंक जो लगेगा T7741 ब्लैक इंक बोतल लगेगा, और जो इसका स्पीड है 1 मिनट में 34 पेज पर मिनट आप निकाल सकते हैं। आइटम डायमेंशन जो है इतने हैं, और इसमें प्रिंटर का जो टाइप है इंक टैंक है, मल्टीफंक्शन प्रिंटर है, और पूरा यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाती हैं इनके बारे में। 34 पेज निकलेगा, A4 सपोर्ट करता है, मैक्सिमम शिफ्ट जो कैपेसिटी है 30 है, और इसके साथ आपको मिलेंगे प्रिंटर, इसके साथ सॉफ्टवेयर मिलेंगे, CD, पावर केबल मिलेगा, वारंटी कार्ड मिलेगा, और प्रिंटर का इंक इसके साथ मिलेंगी। तो ये आप होम यूज के लिए लेना चाहते तो बस बहुत अच्छी प्रिंटर है, आप इसको ले सकते हैं, और इसकी प्रिंट क्वालिटी भी बहुत ही बेटर है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए। 2022 के लिए मस्त प्रिंटर है, पावर कंजप्शन भी इसमें बहुत कम लगती है। तो इसका लिंक जो है वो दोस्तों उस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली अमेजन पे पहुँच के इस प्रोडक्ट को आप परचेज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज के वीडियो में डिटेल्स जो हमने जो है M2005 प्रिंटर के बारे में डिटेल चर्चा की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना ना भूलें, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।